श्रवण करना चाहिए। सदा का मतलब ये नहीं है, माने उसमें काल का बंधन नहीं है, किसी भी काल में श्रवण की जा सकती है। पंच का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली श्रवण किया जाए, निरंतरता की जाए, अर्थात कभी कभी विश्राम भी देना पड़ेगा। कहा यह जाएगा सदा, जैसे कोई ये कहे कि मेरे घर में तो हमेशा धूप आती है, तो हमेशा का तात्पर्य ये थोड़ी है रात को 12 बजे पे धूप आएगी, जब धूप आने का समय है उसी समय धूप आएगी। इसी प्रकार सदा सेव्य का तात्पर्य है जब कथा सुनने का समय है उस समय श्रीमद्भागवत का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। और उसमें यह भी है कि श्रीमद्भागवत की कथा कभी भी सुनी जा सकती है, परंतु कंटिन्यूअसली सुनी जाए, निरंतर सुनी जाए, ये कहने का तात्पर्य है। श्लोक ये दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक है, 25th, जिसके श्रवण मात्र से श्री हरि भगवान के भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अब ये ग्रंथोष्टादश सहस्त्र 18,000 श्लोक का ये ग्रंथ है, द्वादश स्कंध संहिता, इसमें 12 स्कंध जुड़े हुए हैं। परीक्षित शुक संवाद श्रुण भागवतम चतर, इसमें परीक्षित और शुक का संवाद है, ये भागवत की परिभाषा हो गई कि जिसमें 18,000 श्लोक हों और 12 स्कंद हों, शुक परीक्षित संवाद हो, ये असाधारण धर्म वचन, ये लक्षण उसको यहां पर कह दिया गया। ताप संसार चक्रेस्मिन भ्रमते ज्ञान तपमान, ये जीव संसार चक्र में, संसार कहते हैं जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र में तब तक घूमता रहेगा, यावत कर्म कथा नास्ति सुखशास्त्र कर्ण कथा नास्ति सुखशास्त्र कथा क्षण, जब तक एक क्षण के लिए भी कृष्ण कथा कान में नहीं पड़ी। एक क्षण के लिए भी यदि कृष्ण कथा किसी ने कान से सुना है तो उसको फिर जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति नहीं। महिमा का गायन करते हुए कह रहे हैं ये अर्थवाद नहीं है, ये तथ्यवाद है कि अन्य शास्त्रों को सुनने का क्या लाभ, उनको सुनने से तो उल्टा और भ्रम पैदा हो जाएगा। एकम भागवतम शास्त्र मुक्त दाने में गर्जति, श्रीमद् भागवत शास्त्र ही मुक्तिदान पूर्वक गर्जना करता है, माने श्रीमद् भागवत संदेह को दूर करके मुक्तिदान करते हुए गर्जना करता है कि कथा सुनो। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, जिस घर में जिस मंदिर में श्री कृष्ण की कथा होती है वो घर नहीं होता है बल्कि वो तीर्थ रूप हो जाता है श्रीमद् भागवत का पाठ करने से, और वहाँ के वहाँ आने वाले जितने भी लोग उन लोगों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी तीर्थ जल में होली वाटर में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसी प्रकार जहाँ कृष्ण कथा होती है वहाँ जाने से भी पाप दूर हो जाते हैं। अब केवल आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं कि 1,000 अश्वमेध करने का, 100 वाजपेय यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है उससे भी बढ़कर के श्री सुखदेव जी के द्वारा कही गई एक कथा है। नकार का प्रयोग किया कि वाजपेय शतानी च सुखशास्त्र कथायाश्च कलाम न अर्हन्ति, तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि ये कह रहे हैं कि 100 वाजपेय यज्ञ 1,000 अश्वमेध यज्ञ भी श्रीमद् भागवत की तुलना नहीं करती है, उसमें भी नकार का प्रयोग किया, इतनी बड़ी। और कला भी कैसी, नारद षोडशी 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं करती है, जैसे चंद्रमा की सबसे छोटी कला पड़वा की है, प्रतिपदा की, तो उसको भी प्राप्त नहीं करती है कला। फेस फेस
तो द मून हैज 16 फेसेस एंड द फर्स्ट फेस इज वेरी थिन बट इट इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड टू इवन दैट. तावत पापान देहेस्मिन वसंति तपोधना. इस शरीर में और घर में यदि पाप रहेंगे तो तब तक रहेंगे जब तक कृष्ण कथा नहीं होगी. श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो पाप नष्ट हो जाएंगे. जब तक श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनी जा रही है तब तक ही दुख की प्राप्ति होती है. न गंगा न गया काशी पुष्कर न प्रयाग कम. गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग ये सुख शास्त्र की कथा के फल की समानता नहीं कर सकते हैं. तीर्थ भी हर जगह नकार तकार का प्रयोग करेंगे. भागवत इतनी बड़ी है. श्लोक का आधा भाग श्लोक का एक पाद भी यदि कोई श्रीमद् भागवत का पढ़े अपने मुख से भी पढ़े सुने नहीं तो पढ़ भी ले तब भी यदि इच्छा से परामगति यदि उसको परागति की प्राप्ति है तो उसको पढ़ लेना चाहिए. वेदादि वेद माता चौ पौरुषम सूक्त मेव चौ त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव चौ. सारे वेद वेदों का आदि माने प्रणव ओंकार फिर वेदों की माता माने गायत्री गायत्री को वेद माता कहा गया. फिर वेदों में भी सबसे प्रधान है पौरुषम सूक्त पुरुष सूक्त. पुरुष सूक्त की बड़ी महिमा का गायन किया कि यदि कोई पुरुष सूक्त के यज्ञ नियज्ञ इस श्लोक से एक पुष्प भी प्रदान करे तो अर्चितम स्यात् जगदिदम् तेन सर्वम चराचरम तो सारे जगत की सारी संपत्ति से सबकी पूजा हो जाएगी. पुरुष सूक्त इज ए सूक्त इज ए गीत सॉन्ग ऑफ ऋग्वेद एज वेल एज यजुर्वेद एंड सामवेद ऑल्सो. सो इट इज सॉन्ग इन होल फोर एंड अथर्ववेद ऑल्सो एंड इट इज ए वेरी मेन सूक्त एंड इट डिस्क्राइब्स दैट एवरीथिंग इज कमिंग ऑफ श्री प्रद्युम्न भगवान पुरुष श्री प्रद्युम्न एंड द क्रिएशन इज बीइंग डन बाय प्रद्युम्न भगवान. तो वेदादिर वेद माता चो पौरुषम सूक्त विवेचो पुरुष सूक्त पुर माने ब्रह्मांड रूपी पुर और उसमें श माने शयन करता है. तो पुरे शेते इति पुरुषः जो शरीर रूपी नगर में शयन करे उसका नाम हुआ पुरुष. पुरुष माने जीवात्मा इसलिए जीवात्मा को भी पुरुष कहा गया. और ब्रह्मांड रूपी इस नगर में जो शयन करते हैं उनका नाम श्री संकर्षण हो गया प्रद्युम्न हो गया. संकर्षण प्रद्युम्न अनुद्ध तीन रूप से ब्रह्मांड में भी वे शयन करते. त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव चौ. त्रयी भागवत द्वादशाक्षर त्रयी माने सत्व ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद. द्वादशाक्षर माने वासुदेव मंत्र ये सब भागवत में ही आ गए. द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सर आत्मकः श्रीमद् भागवत में द्वादशात्मा माने श्री सूर्य श्रीमद् भागवत में ही विराजमान है. प्रयाग काल संवत्सर ब्राह्मण अग्निहोत्र सुरभि गाय द्वादशी तिथि तुलसी बसंत पुरुषोत्तम मास एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथक भाव इष्यति. इन सबों में कभी भी अलग भाव नहीं देखना चाहिए. मानिए सब चीज तुलसी और ठाकुर जी एक तुलसी और बसंत ऋतु एक पुरुषोत्तम मास अधिका मास एक द्वादशी तिथि एक ये सब माने ये भगवान की ही विभूति है और विभूति और विभूतिमान में अंतर नहीं. अवतार होना एक अलग चीज है विभूति होना अलग चीज है.
जहाँ पर भगवान अपनी शक्ति को स्थापित करते हैं उसका नाम है, कोई शक्ति थोड़ी सी रख देते हैं उसका नाम है विभूति। परंतु जहाँ वे स्वयं ही अवतरित होते हैं और अपनी कुछ शक्तियों को प्रकट करते हैं उसका नाम है अवतार। अवतार तो अवतार में और विभूति में अंतर यह है, जैसे मत्स्य पूर्व वराह ये हैं अवतार, और ऋषियों में मरीचि मेरी विभूति है, वृक्षों में अश्वत्थ मेरी पीपल मेरी विभूति है। अब ऐसे जो वचन कहे गए विभूति योग में भगवद गीता में, तो विभूति का तात्पर्य है किसी जड़ या चेतन वस्तु में भगवान ने अपनी कोई शक्ति रखी उसका नाम तो है विभूति। और जहाँ भगवान स्वयं अवतरित होते हैं सच्चित आनंद रूप में अवतरित होते हैं और उसमें अपनी कुछ शक्तियों का प्रकाशन करते हैं उनका नाम हो गया अवतार। तो तीन चीजें अवतार, विभूति और धारणा, चीज अलग अलग है। अवतार में सच्चिदानंद भगवान ही अवतरित होंगे, कभी वे अपनी पूर्ण शक्ति को प्रकट करेंगे, कभी एक शक्ति को प्रकट कर देंगे। जैसे इनमें भगवान ने केवल ज्ञान शक्ति को प्रकट कर दिया, कभी भगवान किसी जीव में या किसी वस्तु में अपनी शक्ति रख देंगे। तो जहां पर जीव या जगत में मैंने स्वरूप शक्ति में नहीं, सच्चित आनंद में नहीं, बल्कि तटस्थ शक्ति और जड़ त्रिगुणात्मक शक्ति में भगवान ने अपनी कोई शक्ति रखी तो उस शक्ति का नाम हो जाएगा विभूति। भगवत गीता में उसको ही विभूति योग का ही अंतर है। तो ये भगवान की विभूति है, तो विभूति अवतार और में कोई अंतर नहीं है। एक चीज है धारणा। धारणा का मतलब है कि है तो नहीं परंतु उसमें भगवान के रूप की कल्पना कर ले। जैसे जगत में भगवान के रूप की एक योगी कल्पना कर लेता है कि पाताल उनका चरण है। अब भगवान का चरण कोई पाताल थोड़ी है, भगवान तो विशुद्ध सत्वात्मक है और पाताल बना हुआ है सत्व रजस्तम माया के गुणों का। तो जो माया गुणों से रचित है उसमें भगवान के चरणों की कल्पना कर ली, तो कल्पना करने का नाम है धारणा। भगवान कहीं अपनी थोड़ी सी शक्ति रख देते हैं वो हो गया विभूति। जैसे औषधियों में जो मेरी विभूति है यम बाल्मीकि, तो मनुष्यों में राजा मेरी विभूति है, कोई राजा ईश्वर थोड़ी हो गया, भगवान ने अपनी कोई शक्ति उसमें स्थापित की तो वो हो गया विभूति। परंतु अवतार जो हैं वे सब के सब भगवत स्वरूप है। अवतारों को ऐसा नहीं कहा जाएगा, अवतार भगवत स्वरूप है, अवतारों को भगवान माना जाएगा। मत्स्य कुरु वराह, अब ये बात जरूर है कि कुरु भगवान ने केवल पृथ्वी को अपने कंधे पर धारण किया, समुद्र मंथन करवा दिया, अंतर्धान हो गए। तो कभी शक्ति ज्यादा प्रकट करते हैं, कभी इच्छा ज्ञान क्रिया इन शक्तियों को भगवान प्रकट कर देते हैं और प्रकट करके उनके द्वारा अपनी स्थिति प्रकट करते हैं। तो भगवान की ये शक्ति है, इनमें पृथक भाव नहीं देखना चाहिए, इनमें अंतर नहीं देखना चाहिए। याश्च भागवतम शास्त्रम वाचेत अर्थ तो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। अब एक बात और कह रहे हैं बाबूजी, आगे आइए कि याश्च भागवतम शास्त्रम, जो व्यक्ति भागवत शास्त्र को वाचेत अर्थतः भागवत शास्त्र का अर्थपूर्वक वाचन करता है, माने पढ़ना एक अलग चीज है और अर्थ समझा करके जो भागवत शास्त्र कहता है, ऐसे जो विद्वान वक्ता हैं उनको उनके भी करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए ये भागवत कहना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी है, अपना भी कल्याण हो रहा है कि
जो श्रीमद् भागवत का अर्थ प्रकट करते हैं, अंश माने दिन रात, और उसमें लगे रहते हैं, उनको करोड़ों जन्मों में किए गए जो पाप हैं वे तुरंत ही उनके नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। आधा श्लोक, चौथा श्लोक भी यदि कोई भागवत का पढ़े तो उसको भी कभी नष्ट न होने वाला पुण्य प्राप्त होता है और राजसी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृत्यम हरिचिंतनम, जिसने भागवत की कथा कही और कृत्यम जिसने भागवत के अनुसार कार्य किए और भगवान का चिंतन किया, तुलसी जी को जल दिया, गैयाओं का सेवन किया, वाह कितनी सुंदर सुंदर बात है। और अंत काले तो ये नहीं विश्वित शुक शास्त्र भाग, और मृत्यु के समय भी श्रीमद् भागवत का यदि श्रवण करने का अवसर मिल जाए, कोई मृत्यु के समय भी गोपी गीत सुना दे, कोई श्रीमद् भागवत की कोई कथा का श्रवण करा दे, तो अंतकाल में भी यह सुखदेव जी के वाक्य को सुने तो उसको श्री गोविंद वैकुंठ धाम प्रकट का प्रदान करते हैं। कुंठ कहते हैं जहाँ का सुख कुंठित तो हो जाए, नष्ट हो जाए, रुक जाए। वैकुंठ का मतलब है जहाँ का सुख कभी भी जाए जाए। तो उसका नाम है वैकुंठ, जहाँ पर कुंठा न हो भजन में, उसका नाम वैकुंठ है। हम जब संसार में हैं तो कहीं ना कहीं भजन में बाधा आएगी, कभी बीमार पड़ जाएंगे, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कुछ ना कुछ है, परंतु वैकुंठ एक ऐसी जगह है जहाँ पर भजन में कभी भी बाधा नहीं आती है, इसलिए उसका नाम वैकुंठ। संसार के जीवों की भक्ति खंडित है परंतु वैकुंठ वासियों की भक्ति अखंडित है, खंडित नहीं होती। हेम सिंह युतम चैतक ब्राह्मणाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम सपमान लभते ध्रुवम। अब यदि कोई श्री श्रीमद् भागवत को हेम सिंह युतम सोने के सिंहासन पर विराजमान करके वैष्णव को दान करे तो उसे कृष्ण के साथ में सायुज्य की प्राप्ति होगी, माने कृष्ण लीला की प्राप्ति होगी। परंतु इस बात को केवल दान के प्रकरण में नहीं समझना चाहिए। इस श्लोक को उठाकर के श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने निरूपण किया कि ये स्वरूप के अर्थ में भी है, दान के अर्थ में तो ही है कि भाई श्रीमद् भागवत को स्वर्ण सिंहासन के ऊपर, उसमें वर्णन किया गया तीन तोले का, द्वादश स्कंद में वर्णन किया कि तीन पल, तीन तोले का जो स्वर्ण सिंहासन है उस पर बना करके दान करे, तो वो दान के प्रकरण में है, उसकी एक विधि वर्णन की गई थी, परंतु ये दान के ऊपर ही नहीं है। हेम से ही युक्त कहने का तात्पर्य ये है कि श्रीमद् भागवत चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती राजा को ही सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार है, इसी प्रकार तो हेम सिंह युद्ध करने का तात्पर्य है स्वर्ण सिंहासन पर बैठना, माने चक्रवर्ती होना। इसी प्रकार श्री श्रीमद् भागवत स्वभावतः चक्रवर्ती हैं, तो यह श्रीमद् भागवत का स्वरूप है। केवल दान प्रकरण में ही श्रीमद् भागवतम का एक स्वरूप ही है कि श्रीमद् भागवत सर्वदा ही पुराणों में चक्रवर्ती है। ऐसे हेम सिंह युतम एतत्, एतत् माने भागवतम, ये श्रीमद् भागवत सर्वदा ही पुराणों में चक्रवर्ती होकर के विराजमान, ऐसी श्रीमद् भागवत को ब्राह्मणाय वैष्णवाय ददाति च, कोई वैष्णव को दे, दे का मतलब केवल दान नहीं, उसकी चर्चा करना, उसकी कथा कहना, कथा कहकर के उसका ज्ञान जो प्रदान करे, ऐसा व्यक्ति भी, ये वक्ता भी कृष्णेन सह सायुज्यम, श्री कृष्ण के साथ में सायुज्य प्राप्त करता है, निश्चित रूप से श्री कृष्ण के साथ में उसको मिलन की प्राप्ति होगी, सायुज्य माने वैकुंठ धाम को वो प्राप्त हो जाएगा। सो हेम सिंह युतम, दिस इज नॉट ओनली डिस्क्राइबिंग दैट ए पर्सन शुड
donate Srimad Bhagavat on the golden sheet. But it is also saying, he is saying that by nature, Srimad Bhagavat is dominating all Puran. ये कहने का तात्पर्य ही चक्रवर्ती श्री श्रीमद् भागवत चक्रवर्ती और ये ददाति कहकर के केवल दान के प्रसंग में नहीं है बल्कि कृष्ण कथा का जो कथन करेंगे उनको भी श्री कृष्ण सायुज्य प्रदान करेंगे। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुकशास्त्र कथा न पीता। श्री संकादिक कह रहे हैं, नारद जी को श्रीमद् भागवत की महिमा सुना रहे हैं कि आजन्म मात्रमपि पूरे जन्म में जिस शक ने श्री कृष्ण सुखदेव जी की द्वारा कही गई कृष्ण कथा का पान नहीं किया है, हाय हाय उसने चांडाल वच्च खरवच्च तेन नीतम, उसने अपना जन्म चांडाल की तरह से केवल कूड़ा उठाने में और पशुओं का वध करने में ही व्यतीत किया। चांडाल के लिए विशेष रूप से मैंने यही कूड़ा उठाना और कचरा उठाना और या फिर हिंसा की जो कार्य हैं वो चांडालों को विशेष रूप से स्वभावतः उनकी वृत्ति में आए, चांडाल की वृत्ति कहलाती है। तो वे चांडाल के समान ही दूसरों को मार काट में लगे रहे और खरबक खरमा ने गधे की तरह से केवल संसार का भार ढोते रहे। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, और उन्होंने अपने जन्म से अपनी माँ को केवल कष्ट मात्र ही दिया, माँ को उनकी प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी और माँ ने बड़े कष्ट से उस समय उन कष्टों को सहन किया है। तो स्वजन्म जननी जन जन्म दुख भाजा, अपने जन्म से जननी जनी उन्होंने जननी को दुख का पात्र बनाया। जीव छवो, ये कितनी सुंदर बात हो गई है, बहुत बढ़िया बात कहती हूँ। मैंने जिन्होंने कृष्ण कथा नहीं सुनी उन्होंने केवल माँ को कष्ट दिया है, लेवर पेन दिया है और कुछ नहीं उन्होंने। जीव छवो निगत सत पाप कर्मा, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं अब निषेध मुख से उसकी श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन कर रहे हैं कि सुनने पर तो ये हुआ, नहीं सुना उनकी भी निंदा कर रहे हैं कि वो जीवते हुए ही मरे हुए के समान हैं, वे पाप कर्म करने वाले हैं जिन्होंने श्री सुखदेव जी की कथा को नहीं सुना। दिक्तम नरम पश्चमम भूय भार रूपम, वे मनुष्य नहीं है पशु हैं, उनको धिक्कार है पृथ्वी के ऊपर, भार रूप ही हैं, भार रूपी हैं। एवं बदंत दिव्य देव सरोज मुख्या, ऐसा दिव्य माने आकाश में देव सरोज मुख्या जितने भी देवता हैं वे देवता, वे भी कमल सरी के जो मुख हैं मुख वाले हैं वे भी देव कमल जैसे मुख वाले वे भी निरंतर निरंतर कहते हैं, माने सुंदर जो देवता के निवासी हैं वे भी कह रहे हैं। दुर्लभ कृष्ण कथा है संसार में दुख प्रदान करने वाली, और कोट जन्म समुत्थेनो पुण्य नहीं वो लभ्यते, ये श्री कृष्ण कथा करोड़ों जन्म में किसी ने पुण्य किए हों तो प्राप्त होती है। पुण्य शब्द का अर्थ यदि लिया जाए पुण्य प्रसिद्ध पुण्य, तो वहां पर एक आपत्ति उत्पन्न खड़ हो जाएगी कि क्या कथा सत्कर्म के कर्मकांड के अधीन है, परंतु ऐसा नहीं है, कर्मकांड के अधीन नहीं है। पुण्य कहने का तात्पर्य वैष्णवों ने दिया, पुण्य शब्द का अर्थ यदच्छा अर्थात कृपा, पुण्य शब्द कृपावाची, पुण्य शब्द कर्मवाची नहीं। इट इज नॉट डिपिक्टिंग कर्म, इट इज डिपिक्टिंग द मर्सी ऑफ श्री कृष्ण। यदि कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करना चाहें तो
वे किसी वैष्णव को उससे भिड़ा देते हैं। अब यदि उस जीव ने, ये तो ठाकुर ने कृपा कर दी, तो ठाकुर की कृपा तो निरंतर बरस रही है और वैष्णवों को ठाकुर ने सब जगह भेज रखा है, परंतु यदि हमने वैष्णवों से मुंह फेर लिया तो फिर कृपा नहीं बरसेगी। यदि हमने छाता लगा लिया तो आकाश से वर्षा बरस रही है, हमारे हम भीगेंगे नहीं, परंतु यदि हम थोड़ी सी भी उस कृपा को प्राप्त करना चाहें, वैष्णवों के पास में एक डग यदि हम भरना चाहें, तो वैष्णव भी कृपा करके दो डग हमारे पास में आ जाए। तो पुण्य शब्द का तात्पर्य है कृष्ण कृपा। ठाकुर विशेष रूप से किसी जीव के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, यूँ तो उन्होंने सर्वत्र वैष्णवों को भेज दिया, फिर और भी कृपा करना चाहते हैं तो किसी वैष्णव का संग प्राप्त करा देते हैं, और वैष्णव संग प्राप्त करने पर फिर जीव के हृदय में माया की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर पुण्य शब्द का मतलब कृपा है। श्री जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण संदर्भ में निरूपण किया कि यदृच्छा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि केनापि परम स्वतंत्रेण तद भक्त संग जात मंगलोदयेन। यदृच्छा माने मंगल का उदय, अर्थात ठाकुर यदि किसी जीव का मंगल करना चाहते हैं तो वे किसी वैष्णव से उसको भिड़ा देंगे। ये तो करोड़ों जन्मों में यदि कोई किसी ने अच्छे पुण्य किए हों और कभी उसके कान में कोई अच्छी बात पड़ी हो और उसके मन में विचार आए कि मैं किसी वैष्णव की भक्ति कोई बड़ी चीज़ है और किसी वैष्णव के चरण में की ओर वो उन्मुख हो, तो फिर वैष्णव की कृपा से उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तेन योग निधे श्रीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नता दिना नाम नियन हस्ते सर्वदा श्रवण मतम श्री। इसलिए हे नारद, शनकादिक कह रहे हैं नारद को श्रीमद्भागवत की महिमा का गायन करते हुए कि हे योग निधि, भक्ति योग का वर्णन करने वाले नारद, श्रीमद्भागवत को तुम प्रयत्न पूर्वक सुनो। श्रीमद्भागवत में दिन का नियम नहीं है, परंतु नियम रखने से ये है कि आदमी आग्रह पूर्वक सुन लेता है। तो पहले महात्म्य में निरूपण कराए थे कि श्री ब्रह्मा जी ने 7 दिन में श्रीमद्भागवत सुनी, श्री विष्णु ने जगत का पालन करने के लिए, उनमें तो गुण है ही है पर फिर भी जगत का पालन करने के लिए, उस गुणों को जगाने के लिए श्री विष्णु ने 1 महीने श्री कृष्ण कथा को लक्ष्मी जी को सुनाया, फिर लक्ष्मी जी ने 2 महीने में कृष्ण कथा को श्री नारायण को सुनाया। तो लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को सुनाते हैं, 1 महीने लक्ष्मी जी सुनाती हैं, 2 महीने नारायण सुनाते हैं, ऐसे दोनों सुनाते हैं। लक्ष्मी जी जरा स्वतंत्र है, ज़्यादा काम नहीं है, नारायण के पास में बहुत काम है, इसे नारायण 1 महीने में पूरा करते हैं। लक्ष्मी जी आराम से घर में है, थोड़ा बहुत रसोई वसोई का काम है नहीं है, सब नौकर वोकर कर रहे हैं, इसलिए लक्ष्मी जी 2 महीने में श्रीमद् भागवत पूरा करती हैं। शिव जी अपने आनंद से धतूरा खा करके, भांग पी करके आनंद से कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठते हैं, कथा कहने के लिए बैठते हैं, परवाह है नहीं, इसलिए एक एक चीज का विचार करते हैं तो उनको 1 वर्ष लग जाता है। तो इस प्रकार सप्ताह पारायण, मास पारायण, द्विमास पारायण और वर्ष पारायण, ये प्रकार। और उसमें भी ये कह दिया कि ये भी जरूरी नहीं कि 1 वर्ष में पूरी होनी चाहिए, दिनाना नास्ति भाई, कृष्ण कथा सामने आनी चाहिए, जितना विस्तार हो रहा है उतना विस्तार हो आनंद से, जितनी समझने की कहने की क्षमता हो उसके हिसाब से आनंद से आस्वाद लिया जाए, ये मुख्य वस्तु है, दिन का नियम नहीं है। सत्य ब्रह्मचर्य इनके द्वारा कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। सत्य का मतलब है कि आचरण की सत्यता, रित का तात्पर्य है कि वाणी हम सत्य बोले, तो वाणी की सत्यता को कहते हैं रित, और वाणी की असत्यता को कहते हैं अंधरित।
रित अनित, ये वाणी के गुण हुए, और सत्य और मिथ्या ये हुए हमारे शरीर के एक्शन। तो रित और सत्य दोनों प्रकार का हमको आचरण करना चाहिए, अर्थात हमारे क्रियाएं भी सत्य हो और हमारी वाणी भी सत्य हो। वाणी की सत्यता रित कहलाएगी और व्यवहार की सत्यता वह सत्य कहलाएगी। व्यवहार की सत्यता को सत्य और वाणी की सत्यता को रित। व्यवहार सत्य को सत्य कहेंगे, व्यवहार की सत्यता को सत्य। तो सत्य और रित में अंतर बता रहे हैं। अनृत और सत्य, अनृत माने वाणी की झूठ, मुख से झूठ बोलना, और शरीर से अपना एक सा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना, वो रित व्यवहार कर सत्य व्यवहार कर रहा है। अशक्यत्वात् कव बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञा, जीव क्योंकि अशक्य है, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए श्री सुखदेव जी ने विशेष ये बात कह दी। सुखदेव जी ने भी 7 दिन में कृष्ण कथा सुनाई, और श्री सुखदेव जी ने भी कहीं मन कथा के लिए विभिन्न नियम बता दिए कि भाई सत्य ब्रह्मचर्य पूर्वक कृष्ण कथा सुने, क्योंकि यदि नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, कृष्ण कथा कहने में फिर आनंद नहीं आएगा। मन को जीते नियम का आचरण करे, दीक्षां कर्तुम न शक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। अब कोई लंबे समय तक कोई नियम का पालन कर नहीं सकता है, इसलिए 7 दिन की बात विशेष रूप से इसलिए कही गई कि 7 दिन का नियम तो हर एक निभा ही लेगा। और ये खूब देखा कि 7 दिन के लिए तो आदमी नियम का ही रोक लेता है। जिनको शराब पीने की आदत है वो बेबी 7 दिन नहीं भाई, 7 दिन नहीं पिएंगे, घर में आई 7 दिन, अब प्याज व्याज नहीं बनेगा, जाती है दुनिया में सब जगह सब है, बोल नहीं आज 7 दिन रसोई नहीं बनेगी, परंतु तो आदत है उनकी तो प्याज के बिना उनको स्वाद ही नहीं आए। तो वो आदत में बिगड़े हुए व्यक्ति हैं, बेबी का पालन कर सकते हैं, इसलिए सप्ताह बाद विशेष रूप से कही गई। श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाए तो श्रद्धापूर्वक माघ स्नान में जो गंगा स्नान का फल है वो ही श्री श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का मिल जाए। लो माघ के महीने में गंगा स्नान की महिमा और भी वर्णन कर दी। सो श्रद्धात श्रवण नित्य माघे यावध्य तत्फलम, ये पवित्र महीने जो हैं उनको सुने। मनसश्चाजयात् रोगात् पुंसां चैवाश्वक्षयात्, मन को यदि नहीं जीता तो रोग की प्राप्ति हो जाएगी, आयु का क्षय हो जाएगा। कलयुग दोष की अधिकता है कलयुग में, इसलिए सप्ताह श्रवण परम मंगल में है। जो फल तप योग समाधि से प्राप्त नहीं होता है वो फल श्री श्रीमद् भागवत के श्रवण से सरलता में ही अनायासेन प्राप्त हो जाता है। यज्ञात गर्जत सप्ताह, यज्ञ से भी सप्ताह श्रेष्ठ है ये कहा जा रहा है। सप्ताहो गर्जते व्रतात्, सप्ताह व्रत से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तपसो गर्जते प्रोच्चय, अब तप से भी ज्यादा उच्च स्वरूप में श्रीमद् भागवत है, तप करने का जो फल है उसे भी बढ़कर के है। और तीर्थात नित्य में गर्जति, सभी तीर्थों से भी श्रीमद् भागवत अधिक श्रेष्ठ है। योग से भी भागवत श्रेष्ठ, ध्यान से भी श्रेष्ठ, ज्ञान से भी श्रेष्ठ। किम्ब्रुयो, और क्या क्या कहा जाए, तो किम्ब्रुयो गर्जनम तस्यो रे गर्जते गर्जति, अरे श्रीमद् भागवत का क्या महिमा का गायन किया जा रहा है, श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ हैं, गर्जना कर रहे हैं। साश्चर्यमेत कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मादि बिगड़ने सांप्रतम, उस समय एक कथानक का उन्होंने क्या वर्णन किया, जो ज्ञान धर्म इनका भी
अवहेलना करके इस कथानक को श्रवण करें। मिश्रे से भागवत पुराण जातकता योग विदार सूचितम, ये श्रीमद् भागवत निःश्रेयस प्रदान करने वाली। निःश्रेयस का तात्पर्य है श्रेष्ठ फल, उसको निःश्रेयस कहते हैं। फल का नाम निःश्रेयस है, श्रेष्ठ फल जिससे प्राप्त हो वो श्रेष्ठ फल का नाम निःश्रेयस है। और फल को प्राप्त करने फल के साधन को भी निःश्रेयस कह दिया। निःश्रेयस माने फल। सूची कहते हैं कि जिस समय कृष्ण पृथ्वी का त्याग करके जाने लगे, उस समय एकादश स्कंध में उद्धव जी ने श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को सुना। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में उसका वर्णन किया गया। और उस समय उद्धव जी कह रहे हैं कि हे गोविंद, आप तो भक्तों का कार्य पूरा करके चले जाएंगे, परंतु मुझे एक बड़ी भारी चिंता है, उस चिंता को सुनो और उसका समाधान करके मुझे सुख प्रदान करो। कि आगतो यम कलयुग घोरो भविष्यति पुनः खला, कि कलयुग आ रहा है और कलयुग में जितने भी जीव हैं वे अधिकांश जीव दुष्ट हो जाएंगे। सत्संगे नैव संतोपि, और सत्संग करते हुए भी संतगण भी कभी कभी क्रोध कर लेंगे, अति उग्र हो जाएंगे। पृथ्वी भार पाप के भार से युक्त हो जाएगी, ये पृथ्वी किसका आश्रय ग्रहण करेगी? महाराज, हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त इस पृथ्वी का रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अतः संतों के ऊपर दया करके हे भक्तवत्सल, आप मत जाओ, यहां रहो और भक्तों का कल्याण करने के लिए आप ज्ञानियों को निराकार रूप में दिख रहे हैं और भक्तों को अपना स्वरूप भी दिखा देते हैं। ज्ञानियों को स्वरूप नहीं दिखाते हैं, परंतु भक्तों को अपना स्वरूप दिखा देते हैं। तो ज्ञानियों के लिए जो निराकार था, वही भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः, जो चिन्मय निराकार था वह भी सगुण हो गया है। अर्थात आप तो सर्वदा सगुण ही थे, ज्ञानियों को नहीं दिखला रहे थे, परंतु भक्तों को अपने स्वरूप को भी आपने दिखा दिया। आपके वियोग से भक्त पृथ्वी पर कैसे रहेंगे? और निर्गुण उपासना कैसे करेंगे? निर्गुण का तात्पर्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों हैं गुण, इनसे परे होकर के भक्ति की उपासना, निर्गुण उपासना वो कैसे करेंगे? निर्गुणम मदपाश्रयम, एकादश स्कंध में कहा गया कि निर्गुण का तात्पर्य है भगवान की उपासना, उस उपासना को कैसे करेंगे उसका हमारे सामने वर्णन करो। भगवान के इन वचनों को सुन करके श्री भगवान ने प्रभास में उद्धव के वचनों को सुन करके विचार किया कि भक्तों का सहारा देने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए स्वकीयम यद भवत तेजः तच्च भागवते अदधाप, भगवान में जो तेज था, भगवान ने अपने ही एक तेज को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी रख दिया। और तिरोधाय प्रविष्टेयम श्रीमद् भागवतार्णवम, और कृष्ण तो अंतर्धान हो गए और श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट होकर के आप श्रीमद् भागवत समुद्र से प्रकट हो गए। तो तिरोधाय माने अपने आप को छिपाते हुए, और प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत समुद्र में श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, माने अपने तेज को भागवत में ही स्थापित कर दिया। तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसलिए भगवान की वांग्मय मूर्ति है। श्रीमद् भागवत का यदि सेवन श्रवण किया जाए, पाठ किया जाए, तब तो कल्याण होगा ही, परंतु तो दर्शना, यह दर्शन मात्र भी किया जाए तब भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो सेवन करेंगे माने श्रीमद् भागवत के अर्थों का विचार कर रहे हैं, घोटा लगा रहे हैं, उसमें से सिद्धांत आचार्यों ने जो दिया है उनका पढ़ रहे हैं, वो क्या सेवन श्रवण और पाठ कर रहे हैं, उसकी भी अपेक्षा श्रीमद् भागवत का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणम तेनो सर्वे व्योप्यधिकम कृतम साधना संस्कृति और कलो धर्मो या वीरता, जिन्होंने अन्य सारे धर्मों का तिरस्कार करके श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण किया उनने वास्तव में कलयुग में मुख्य धर्म कर लिया है। साधना तिरस्कृति और सारे साधनों को तिरस्कृत करके धर्मोयम कीर्ता, यही धर्म श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। दुख दारिद्र दुर्भाग्य पाप का प्रक्षालन करने वाला है, काम क्रोध जय करने वाला है श्रीमद् भागवत का श्रवण, और कलयुग को जीतने वाला है, ऐसा ये श्रीमद् भागवत धर्म है। अन्यथा वैष्णव भगवान विष्णु की माया दुस्तेज है और वो सबको मोहित कर लेगी, इसलिए भागवत तो नित्य श्रवण करनी ही चाहिए, भागवत का नित्य कथन भी करना चाहिए। कथम त्याज्या भवे तुम भी सप्ताह हो तह प्रकीर्तिता, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अतः सप्ताह का मतलब है कि दिन के प्रत्येक नहीं, सप्ताह के प्रत्येक दिन में ही पूरे सप्ताह ही भाग पाठ करो, इसका मतलब हमेशा ही पाठ करो, सियासी मतलब सप्ताह में पाठ करो, माने सप्ताह तो निरंतर निरंतर चलेगा तो निरंतर निरंतर पाठ करो। ऐसे जो कहा इतने में ही एवं नागा श्रवणो धर्मे, नागा माने सप्ताह, उसके श्रवण के धर्म को सुनकर के जब श्रवण की महिमा को सुनी गई तो ऋषि सवायाम सारे ऋषियों के साथ में एक सभा में बड़ा भारी आश्चर्य हुआ है कि उसको तुम श्रवण करो हे सौनिक के भक्ति सुतौत तरण गृहित्वा, अभी तो कथा शुरू हुई नहीं है, केवल महात्म्य मात्र शुरू हुआ है, पर उस महात्म्य को श्रवण करते ही भक्ति महारानी अपने दोनों युवक पुत्रों को लेकर के प्रेम रूपा भक्ति महारानी सहसा आविर्भूत हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथी इति नामानि मुहुर बदंती, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इन नामों को भक्ति महारानी उस समय कहने लगी और भक्ति महारानी प्रकट हुई, सब लोग उस समय परम परम आनंदित हुए। ये श्रीमद् भागवत भक्ति महारानी को प्रकट करने वाला अपूर्व ग्रंथ है। प्रेम की अतिशयता में कृष्ण नाम अपने आप अनुभव के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे विरह में आह अपने आप निकलती है, आनंद में शीतकार अपने आप निकलता है, ऐसे यदि कृष्ण विरह में कृष्ण नाम निकले और कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करते हुए आहा हे कृष्ण ऐसे आनंद के शीतकार रूप में यदि कृष्ण नाम निकले तो यह नाम का सिद्ध स्वरूप है, नाम का साधक स्वरूप है कि माला हाथ में चल रही है, मुख से बोल भी रहे हैं पर मन इधर उधर भाग रहा है, नाम का क्या अर्थ है इसका अनुसंधान नहीं है, तो ये जो नाम का स्वरूप है वो हुआ कहीं साधन का स्वरूप, परंतु सिद्ध स्वरूप में श्री कृष्ण लीला के माधुर्य का साधक को आस्वाद प्राप्त होगा, उस आस्वाद को प्राप्त करते हुए साधक विराजमान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद अब आगे श्री भक्ति महारानी श्री श्रीमद् भागवत की महिमा का